तो चलते हैं। गाइस मैं यहाँ पे पहुंच चुके हैं फार्म हाउस पे, जगह जो थी वो फार्म हाउस में, और ये तो सारी यहाँ पे गायें हैं ना, ये मुझे इतना डरा रही है सांस लेकर और ना मुझे डरा रही है। चलो अब हम पूरा देखते हैं। वैसे हम लोग देख रहे थे ये गायें और बकरे आए थे, लेकिन अब हमने सोचा पूल भी है, पिच भी है, हम बैडमिंटन भी लेकर आ गए, क्रिकेट भी लगाते, सब खेल लेते। अब एक कांसल तो नहीं आते ना, तो सभी कर लेंगे, लेकिन अभी ना मुझे थोड़ा डर लग रहा है, वैसे मैं दूर दूर चली हूँ, वरना वो तो डर नहीं लगता इतना, ये तो बस उतना डरा रही है, इस वजह से मुझे डर लग रहा है, वरना आई एम नॉट स्क्रेड ऑफ एनीथिंग। ओके, और बकरे ऐसे यहाँ पे खुले हुए हैं, गायें भी खुली हुई हैं, कुछ बंदी हुई हैं, यहाँ पे वाइट वाइट पिजन्स आई डोंट नो कबूतर है, कबूतर तो ब्लैक होते हैं लेकिन पिजन्स हैं। और वहाँ पे बकरे के पोर्शन भी पूरी गाय इतनी सारी, यहाँ पे गाय छोटी छोटी सी, वो ब्लैक कलर की छोटी होने की, हाँ वाइट कलर की। नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो, आप भी आगे ट्राई करना, अगर आपको लगे, अगर आपको डर ना लगता हो तो बिल्कुल आइएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत डर लगता है। वैसे मुझे डर नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं इनसे डर रही हूँ, ये बस थोड़ा डरा देते हैं मुझे बस। अब बाकी मैं आपको बाद में खेलते खेलते बताऊंगी, और मैं आपको जगह दिखाती हूँ, बहुत बड़ा है ये, वही ये तो गार्डन है, वहाँ पे पिच है क्रिकेट की, इतनी बड़ी पिच है ना पता है, और वहाँ पे वो ब्लू कलर का आपको जो शेडो दिख रहा है ना, वो इट्स लाइक स्विमिंग पूल के नीचे। अब वैसे भी सर्दियां चल रही है, लेकिन फिर भी हम एक्स्ट्रा कपड़े ले आए हैं कि अगर मौका मिल गया तो डुबकी लगा लेंगे, एक आध लगा लेंगे, क्योंकि अभी तो देखो फायर मार्च का कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी गर्मी हो सकती है, कभी भी सर्दी हो सकती है, और हम लोग यहाँ पर नाइट स्टे नहीं करेंगे, हम लोग सवार है डे के लिए और मगरिब पर निकल जाएंगे। और वैसे सर्दी भी बहुत होती है, लेकिन अभी मैंने कुछ भी नहीं पहना हुआ है, और क्योंकि बिकॉज यहाँ पर अभी धूप निकली हुई है, सन ग्लासेस भी है मेरे पास। ये पोर्शन है बर्ड्स का, जिससे मुझे भी डर लगता है, कि ऐसा मुझे और डरा रहे तो मैं घर जाती हूँ भाई। सो लेट्स गो, वैसे मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा अपने येलो येलो चश्मे से, वो एक देखो इनकी ना लाइक ट्विंस लग रहे हैं मुझे, एक इतना बड़ा एक इतना छोटू सा, अंदर वाइट भी है, ये मुझे ऑशियस लग रहा है क्योंकि इसकी गर्दन ऐसी है। मैं दूर दूर चलूंगी ताकि कुछ ये लोग कर ना लें मुझे, डरा डरा मैं दिखाती हूँ और भी कलर है, जैसे खुला हुआ ना, वाओ तो सारे, दिस इज सो मच। और इसके बाद यहाँ पे हैं चिकन चिकन मगरमच्छ निकला तो मुझे लगता है ये बर्ड्स के लिए रखा है, आई थिंक सो, पूछ लेंगे। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ पूल साइड एरिया, बहुत बड़ा पूल है और बच्चों का पूल भी है, एंड यहाँ पे पूल में जाने से पहले और पूल में जाने के बाद वहाँ पे चेंजिंग रूम है, वहाँ पे बहुत अच्छा बना हुआ वैसे समर्स आई लव दिस समर, और पानी बहुत ठंडा है, मैंने अभी चेक किया था लेकिन इतना ठंडा है मींस के अंदर जाने से, लेकिन फिर भी टार्जन मैं जाऊँगी अंदर, और वैसे बहुत ठंडा पानी मैं बता रही हूँ, सर्दी में कभी आना ना नहीं आना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा पानी होता है, और उसे चलते फिरते भी इसमें गिर सकते हैं, तो क्योंकि इतनी साइड ब्रेक भी लगाई थी, लेकिन उसके अंदर देखो वहाँ से स्टार्ट होते 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 यहाँ पर डीप में जाते जाता है,
और यहाँ से हमें बस से जाना होगा और सामने मुझे चेंजिंग रूम है, वहाँ पर मेरे ख्याल से दो से ज़्यादा लोग जा सकते हैं, यहाँ पे तीन लोग जा सकते हैं। वहाँ पर वो बच्चों का पूल है और ये पूरा साफ किया है, इतना अच्छा पानी लगा, एकदम ठंडा भी है ठंडी भी है, लेकिन इंसान वैसे क्या है, कभी धूप कभी सर्दी सब है यहाँ पे, तो पूल साइड तो इतना सही था। मैं आपको बाकी चीजें भी दिखाऊंगी, लेकिन जब मैं स्विमिंग पूल में जाऊंगी तब तो मैं आपको गारंटी रात को भी दिखाऊंगी। दिन खत्म हो चुका है हमारा, मगरिब जैसे मैंने बोला था कि मगरिब हो जाएगी तब हम निकल जाएंगे, तो मगरिब हो चुकी है और हम घर जा रहे हैं, तो बाय।